हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेबी यूट्यूबर। आज की वीडियो है स्पेशली सर्दियों के अंदर किस तरह से आप पिगमेंटेशन को, दाग धब्बों को दूर कर सकते हैं। एक ऐसी क्रीम मैं आज आपको बताऊंगी जिसको लगाने के बाद जो भी दाग धब्बे आप पर, कितने भी जिद्दी काले दाग धब्बे अगर आपकी स्किन पर हो गए हैं, आप तरह तरह की चीज़ें लगाकर थक चुके हो लेकिन आपकी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं जा रही है, और मार्केट से भी अगर आप तरह तरह की क्रीमें खरीद कर लाते हो और उससे आपकी स्किन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो आज जो मैं आपको क्रीम बनाकर बताऊंगी, इससे जो आपकी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो बहुत ही अच्छी तरह से दूर हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव क्रीम है, आप इसको बनाकर अपनी स्किन पर लगाएंगे तो 7 दिनों में यहाँ आपको फर्क महसूस होगा कि इस क्रीम ने आपकी स्किन पर बहुत अच्छा जादू किया है फ्रेंड्स, और आपकी स्किन एकदम साफ सुथरी हो जाएगी। आपकी स्किन पर किसी तरह का कोई भी पिगमेंटेशन नहीं रहेगा, सिर्फ आपको 7 दिन तक इसको लगाना है फ्रेंड्स। अगर आप इसको 7 दिनों तक लगाते हो तो आप देखोगे कि जो भी आपकी स्किन पर धीरे धीरे जो डार्क स्पॉट थे वो हल्के होते जाएंगे। लगातार आप इसे 1 महीने तक यूज़ करते हो तो आपके चेहरे से सारे दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। अगर आपके होने वाली है शादी तो आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, आपको कोई भी चीज़ सूट नहीं करे तो इस क्रीम को आप लगा सकते हो फ्रेंड्स। ये क्रीम आज तक आपको नहीं बताई होगी किसी ने कि, क्योंकि ये क्रीम इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि आपकी स्किन सारी पिगमेंटेशन को गायब कर देगी फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, आपके चेहरे से बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है, तब आप इस क्रीम को मत यूज़ कीजिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है, अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन स्किन है तो आप इसको मत यूज़ कीजिएगा। विंटर में ये क्रीम बहुत अच्छा काम करेगी आपकी स्किन पर। तो चलिए इस क्रीम को बनाना स्टार्ट करते हैं, और अब मैं बताऊंगी किस तरह से आपको इस क्रीम को बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसमें जो चीज़ ले रही हूँ फ्रेंड्स, वो है बादाम का तेल। इसके अंदर विटामिन ई की भरपूर मात्रा होती है। आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन के लिए विटामिन ई बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स। आपकी हेयर ग्रोथ के लिए भी विटामिन ई ऑयल बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर बादाम के गुण पाए जाते हैं। बादाम आप सभी को पता है कि आपकी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है। आप बादाम खा भी सकते हो, क्योंकि अगर आप बादाम को रात को भिगोकर सुबह खाते हो तो आप देखोगे कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और ग्लोइंग हो जाएगी, और आपकी जो मेमोरी है उससे वो भी बादाम से बहुत ज़्यादा बढ़ती है फ्रेंड्स। तो बादाम के बहुत सारे गुण हैं, इनमें से एक गुण ये भी है कि ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पर बादाम का ऑयल लिया है। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन आपको जितना ये बादाम का तेल डालना है उतनी ही वो सारी चीज़ें मैं जो आपको बताऊँगी वो एक जैसी ही डालनी है। तो हम यहाँ पर थोड़ी सी, ये 4 से 5 ड्रॉप्स ये बादाम का तेल डाल रही हूँ, क्योंकि मैं इसे सिर्फ 2 बार के लिए बना रही हूँ। अगर आप इसे 7 दिनों के लिए बनाते हैं तो 7 दिनों के लिए भी बना सकते हो फ्रेंड्स। दूसरी ये चीज़ है फ्रेंड्स, ये ऑलिव ऑयल। मैं ये ऑलिव ऑयल बहुत यूज़ करती हूँ अपने बालों के लिए, अपने फेस के लिए, अपने फुल बॉडी पर मैं इसको अप्लाई करती हूँ। स्पेशली विंटर के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली पिगमेंटेशन पर बहुत अच्छा काम करता है, और ये ड्राइनेस को तो पूरी तरह से दूर कर देगा। जो भी रिंकल्स की प्रॉब्लम है, जिनकी आँखों के पास झुर्रियाँ आ जाती हैं, उनके लिए ये जैतून का तेल वरदान है फ्रेंड्स। आपने मेरे बहुत सारी वीडियो में देखा होगा कि मैंने जैतून का तेल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। तो हमने जितना बादाम का तेल मिलाया है उतना ही हम ये जैतून का तेल इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो हमने मिला लिया है जैतून का तेल। तो जी, हमारे 2 स्टेप पूरे हो गए, यानी 2 चीज़ें हमने इसके अंदर मिलाई है। अब तीसरी जो खास चीज़ मैं इसके अंदर मिला रही हूँ वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपकी पिगमेंटेशन के लिए अच्छा होता है, आपके डार्क स्पॉट को दूर करता है, जो भी आपके चेहरे पर रिंकल की प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करता है। तो आप चाहे तो घर का बना ले सकते हैं, आप चाहे तो ये ले सकते हैं, आप चंदन वाला भी ले सकते हो। तो हम इसके अंदर मिला रहे हैं ये। इस तरह से इस क्रीम को लगाती हूँ और अपनी स्किन का ख्याल रखती हूँ फ्रेंड्स। तो ये विंटर सीजन के लिए बेस्ट क्रीम है, स्पेशली पिगमेंटेशन के लिए। ये देखिए, मैंने सिर्फ इसे 2 बार के लिए ही बनाया। तो जी, ये कुछ इस तरह की क्रीम है। अब हम इसको अपने चेहरे पर लगा लें। मैंने चेहरे पर किसी तरह का मेकअप नहीं कर रखा है। तो अच्छी तरह से हम इसको तब तक इसकी मसाज करेंगे जब तक ये ऑयल पूरी तरह से हमारी स्किन के अंदर नहीं चला जाता है। आप इसे अपने हाथों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी शादी होने वाली है और आपके हाथों पर भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो उसको दूर करने के लिए आप अपने हाथों पर, पैरों पर, फुल बॉडी पर इसको अप्लाई कर सकते हैं, और पिगमेंटेशन की समस्या है उससे निजात पा सकते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही इफेक्टिव है, आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए, स्किन में बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही आसानी से चला जाता है। सर्दियों में ड्राई स्किन के लिए तो ये बेस्ट है, पिगमेंटेशन के लिए ये बेस्ट क्रीम है फ्रेंड्स।
तो ये देखिए पूरी तरह से ये क्रीम है जो मेरी स्किन में अब्सॉर्ब हो गई है और स्किन हो गई है एकदम सुंदर। आप देखिए पिगमेंटेशन आपकी स्किन से पूरी तरह से गायब हो जाएगा, ये दावा है मेरा फ्रेंड्स। तो आप इस क्रीम को जरूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को जरूर से प्रेस कर देना फ्रेंड्स, ताकि जो मेरी नई वीडियो आती है वो सबसे पहले आप देख पाओ। तो इसी तरह से प्यार भी बनाए रखिएगा ताकि नई वीडियो मैं लाती रहूँ। थैंक यू दोस्तों।